सीधी बात है। नहीं मेरी क्या, हजारों कार्यकर्ता और हजारों कांग्रेस के वो लोग जो सिद्धांतिक रूप से जनसेवा के दृष्टिकोण से जो इस पद को जिन्होंने चुना था और उसी दृष्टिकोण से सिंधिया परिवार का इतिहास रहा है कि वो जनसेवा के रूप में ही उन्होंने राजनीति को गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल किया। तो चूँकि उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ता और जनता की सेवाओं के अनुरूप वो निर्णय लें, लेकिन वो उसमें असफल तो महसूस कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उस कठिनाई को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो हमारे लिए वो आदर्श हैं और सिंधिया परिवार समर्थ रहे हैं, तो जो उनके जो निर्णय लिया उस कदम का हम समर्थन करते हैं और हम उनकी ताकत बढ़ाने के लिए और उनके मनोबल बढ़ाने के लिए उनके समर्थन में उनके साथ हैं। और मैं भी स्वयं कांग्रेस की जो भी जिम्मेवारियाँ मेरे पास थी उसमें मुक्त हो गया हूँ और मैं अफसोस होता है। तो कितने लोगों ने आपके साथ इस्तीफा दिया? बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी लोग हैं, उनको संख्या से जोड़ना और बताना समझता कि अभी तो ये क्रम चालू है, हजारों कार्यकर्ता लाखों कार्यकर्ता हैं और आप वैसे भी देखें कि किसी व्हाट्सएप ट्विटर उठा लें तो ढेरों न जाने कितने आम कार्यकर्ता और आम कांग्रेस के कार्यकर्ता पब्लिक जनता सभी के जो है विचार उसमें सामने आ रहे हैं। सिंधिया जी बीजेपी में जाते तो आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल? मैंने आपसे कहा कि अभी जो उन्होंने निर्णय लिया हम उनके साथ में हैं, आगे भी अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो हम तो सिंधिया जी के साथ हैं। बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आपने ये डिसाइड क्यों किया? आप कुछ कहना चाहेंगे? औपचारिक तौर पर कब ज्वाइन करने जा रहे हैं?